आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल RK Study Point 99 में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का जो अध्याय है, चौथा जो अध्याय है मानव बस्तियां, उसके बारे में हम बात करेंगे और इस अध्याय को हम समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल RK Study Point 99 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने ये पॉइंट पहला लिया है कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में अंतर, ठीक है। एग्जाम के अंदर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियां, तो ग्रामीण बस्तियों में ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है, जो ग्राम में निवास करते हैं उनको तो पता ही होगा कि जो ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा कम होती है। अब आप देख लीजिए कि कोई मतलब बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं उसको, कहाँ पे लेके जाते हैं, नगर में, शहर में जाते हैं। तो वहां पे क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है, या जो हमारे ग्रामीण में जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होती। उसके बाद है कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, जो भाईचारा होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अब नगरीय बस्तियों के बारे में, ठीक है। तो नगरीय बस्तियों में ज्यादातर लोग द्वितीय तथा तृतीय में जुड़े होते हैं, जो द्वितीय व तृतीय जो क्रिया होती है उसमें संलग्न रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम बात करें कि जैसे विनिर्माण फैक्ट्रियां, अब बात करें दूसरी पॉइंट की कि नगरीय बस्तियों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो नगरीय होता है वहां पे क्या होता है, स्वास्थ्य जो सेवाएं है वो अच्छी होती है। उसके बाद है नगरीय बस्तियों में सामाजिक संबंध इतने अच्छे नहीं होते, भाईचारा जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है ये जो दूसरा जो पॉइंट है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है। तो अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, कितने प्रकार की ग्रामीण बस्तियां होती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हो गया गुंचित बस्तियां, दूसरा हो गया अर्ध गुंचित, और तीसरा हो गया तली, और चौथा हो गया परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियों को एकांकी बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये आपको अगर नाम याद नहीं रहता तो आप इतना याद रख लीजिए, एकांकी बस्तियां, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि गुंचित बस्तियां कौन सी होती है। तो इसमें क्या होता है, घर जो होते हैं पास पास होते हैं, ये आयताकार रेखिक तथा अरे आकार की होती है। आपको रेखिक का मैंने बता दिया था, अब रेखिक बस्ती कौन सी होती है, जैसे कोई सड़क है, ठीक है। और यहाँ पे साइडों में क्या होता है कि जो निवास करते हैं, बस्तियां बना लेते हैं, वही होती है रेखिक बस्तियां, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ऐसी बस्तियां जो लोअर मैदानों के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, गंगा मैदानों के जलोर मैदानों में पाई जाती है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है कि बुंदेलखंड और नागालैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अर्ध गुंचित, ऐसी बस्तियां किसी बड़े ग्राम के टूटने से बनती है, ठीक है। मतलब कोई गांव है, अगर वो टूट जाए इसे, ठीक है, वो क्या उसमें क्या होता है, अर्ध गुंचित का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज या एक वर्ग अपनी इच्छा से अथवा बलपूर्वक बस्ती से अलग रहने लगता है। उसके बाद तो ये कहां पे होता है कि गुजरात और राजस्थान में ज्यादातर ये पाई जाती है। और उसके बाद बात करते हैं पल्ली बस्तियां, ऐसी बस्तियां तब बनती है जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अलग हो जाती हो, जैसे दो बस्तियों में के बीच एक नदी आ जाती हो। तो देखिए, जैसे ये नदी है यहाँ पे, ठीक है, नदी है, इसमें जल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, और ये जो होता है ना, मतलब ये कोई गांव है उसके बीच में अगर कोई नदी आ जाए और यहाँ पे जैसे बस्तियां बनी हुई है, ठीक है, ये दो अलग अलग रूप में विभाजित हो गया, पर इनका जो नाम है वो वही रहेगा, ठीक है। ये इनके जो नाम है, पाड़ा, नगला, ढाणी, इनके अन्य नाम पल्ली बस्ती के, ठीक है, पाड़ा, नगला, ढाणी, ठीक है। इसके क्षेत्र में पाई जाती है हिमालय की निचली घाटियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एकांकी बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां, ये दूर दूर जंगलों में पाई जाती है। इनमें घर जो है
दूर दूर एकांत में होते हैं। मैंने बताया था कि गुंचित बस्तियों में क्या है, घर पास पास होती हैं और इसके अंदर क्या है कि घर दूर दूर होते हैं और एकांत में होते हैं। एकांत मतलब अकेला, ठीक है, अकेले होते हैं। ये बस्तियां मेघालय हिमालय प्रदेशों में पाई जाती है। तो देखिए ये मैंने वन पार्ट बनाया है, जब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो उसके बाद हम आपको उसका जो अगला पॉइंट जो है वो हम बताएंगे, आप सबको जो है अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आपको मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, वैसे हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, मैं जो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पेशल 12वीं क्लास के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो आप उसके अंदर ऐड जो हो जाना, ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही आपके लिए मैं नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो लेके आऊंगा, पार्ट 2 जो है इसका मैं लेकर आऊंगा, यही है पार्ट 1, ठीक है। धन्यवाद।